अपील का दौर लगातार चल रहा है और इसी बीच अब्दुल लतीफ आर्को की अपील भी सामने आई है। कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद असगर अली ने भी अपील की है, जुमे की नमाज के लिए दी हिदायत। तो देखिए लगातार जो हिदायतों का दौर है वो चल रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि लोग कम से कम जमा हो कहीं भी, और यही वजह है कि गहलोत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, धारा 144 भी लगा दी गई। तो ऐसे में कोशिश और कवायद सिर्फ यही कि लोगों को इससे बचाया जाए किसी भी तरह से, चाहे अस्पताल प्रशासन वो पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रहा है, दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी गंभीर। मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इसी बीच देखिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब असगर अली ने भी अपील की है, जुमे की नमाज के लिए हिदायत दी गई है और कोशिश और कवायद यही कि लोगों को सेफ रखा जाए किसी भी तरह से। अब्दुल लतीफ आर्को की अपील भी सामने आई है, कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद और जुमे की नमाज के लिए हिदायत दी गई है। देखिए एक तरफ मंदिरों को भी, कई मंदिरों को बंद कर दिया गया है और कई सारी खबरें सामने आ रही हैं ऐसी ही। इस बात की कि इन हालात से जो हालात चल रहे हैं इसमें हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है और ख़ास तौर से इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि जो जुमे की नमाज है उन नमाजों के अंदर भी हमारे इमाम हजरात इस बात का ख्याल रखें, खुतबा छोटा करें, जल्दी नमाज पढ़ा कर फ्री करें और हम लोग घर से नमाज वजू बना कर के जाएँ और फ़र्ज के बाद बाकी नमाजें घर आकर अकेले अकेले पढ़ लें, हमें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ चाहती है और ये वायरस तमाम मानव जाति पर, मानव समाज पर यकसर तौर पर हमलावर हुआ है और पूरी दुनिया इसके लिए तदाबीर इख्तियार कर रही है और इस सिलसिले में भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं, राजस्थान सरकार भी अलर्ट पर है और राजस्थान सरकार ने भी आगे बढ़कर बहुत से प्रतिष्ठान जहां पर भीड़ जमा हो सकती है ज़्यादा उस पर पाबंदी लगाई है और आज 18 मार्च से धारा 144 भी लगा दी है राज्य में और धारा 144 लगा दी है। अब इसी तरह हमारे जो के मौलवी हैं, उलमा इकराम हैं, आइम्मा इकराम हैं और हमारे पंडित हैं, आचार्य हैं, महंत हैं, संत हैं, उन लोगों ने भी जो है अपने अपने समाज से अपील किए कि जो है ज़्यादा भीड़ से बचें और अननेसेसरी यात्रा भी ना करें और हाथों को बार बार धोएं।